समय बदलने के साथ साथ लोगों की सोच भी बदल रही है, खासकर शादी को लेकर। मॉडर्न जमाने में कई लड़कियां अकेली ही रहकर अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, और ऐसा ही मानना है टीवी शो दिया और बाती हम फेम एक्ट्रेस का, जिन्होंने खुद से ही शादी कर ली। जी हाँ, आपने सही सुना, टीवी एक्ट्रेस कनिष्का सोनी ने खुद से ही ब्याह रचा लिया और तस्वीरें शेयर करके इस बारे में जानकारी दी। कनिष्का सोनी ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसमें वो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने दिखाई दे रही हैं। तस्वीरों को देखकर फैंस भी हैरान हैं। यही नहीं, कनिष्का ने अपनी फोटोज के साथ जो कैप्शन में लिखा, उससे भी लोगों के होश उड़ गए। एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में लिखा, मैंने खुद से ही शादी कर ली है, मैंने अपने सारे सपने खुद ही पूरे किए हैं, और जिस एक इंसान के साथ मैं प्यार में हूँ वो मैं खुद ही हूँ। मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं है, मैं अपने गिटार के साथ हमेशा अकेले और एकांत में हूँ। मैं देवी हूँ, मैं मजबूत हूँ और शक्तिशाली हूँ। शिव और शक्ति सब कुछ मेरे अंदर हैं। थैंक यू। बता दें कि कनिष्का ने हॉलीवुड का हिस्सा बनने के लिए टीवी इंडस्ट्री को छोड़ दिया, लेकिन अब उनके नए अवतार ने लोगों को हैरान कर दिया। कनिष्का दिया और बाती हम, पवित्र रिश्ता और देवी आदि पराशक्ति जैसे कई हिट टीवी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में एक नामी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कनिष्का ने कहा था कि उन्हें टीवी इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा था कि मैंने कई टीवी शोज किए, कई म्यूजिक वीडियोस और कमर्शियल किए, मेरे हाथ में कई सारे ऑफर्स भी थे, लेकिन जब मुझे लगा कि 3 महीने चलने के बाद भी इन टीवी शोज की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपको शुरू से ही शुरू करना होता है। मेरा इंडियन टीवी इंडस्ट्री से भरोसा उठ चुका है। मुझे बॉलीवुड में नेपोटिज्म के बारे में पढ़कर बुरा लगता है, इसलिए मैंने हॉलीवुड में करियर बनाने का तय किया है। हालांकि मेरे पास अभी एक टीवी फिक्शन और एक डिजिटल सीरीज है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। बता दें कि बीते दिनों गुजरात में सोलोगेमी का केस सामने आ चुका है। क्षमा बिंदु नाम की लड़की ने खुद से शादी की थी, जो कि काफी चर्चा में रही थी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।